तो बस एवरेज को लेके मन में डाउट है, क्योंकि एमजी गाड़ियों के एवरेज को लेके भाई लोग सोचते हैं लेने से पहले। कभी कभी मूड होता है कि भाई आज माइलेज निकालना, तो मैंने इससे सिटी में भाई 14 का भी निकाला हुआ माइलेज, सिटी के अंदर 14 का। इंजन पे लोड डालता है और एकदम से पुश करता है, आरपीएम हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई अभी हम बैठे हैं अपनी एमजी की एस्टर में, और भाई आज की वीडियो एस्टर यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि एस्टर को लेके ना भाई सबसे ज़्यादा जो लोगों के मन में डाउट है वो है भाई इसकी माइलेज को लेके। माइलेज को लेके 80% लोग जो ऐसे हैं जिनको भाई बिल्कुल भी इसमें माइलेज नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे स्टेप्स, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली भाई आपका माइलेज एमजी एस्टर का तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, आपको बढ़िया रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा इसके माइलेज को लेके, अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करते हो तो। तो चलो चलो भाई शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, जो मेरी है ये एमजी एस्टर 1.5 सेवी सीवीटी वेरिएंट है, जो कि एडास के साथ आता है रेड इंटीरियर वाला। अब ये चीज़ जो मैं आज आपको बताऊंगा ये सीवीटी पे भी अप्लाई होगी और मैनुअल पे भी अप्लाई होगी। टर्बो वाले का मैं नहीं कह सकता कुछ भी कि टर्बो, क्योंकि भाई टर्बो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा है। 1.5 वाले का तो मुझे एवरेज भी पता है और काफ़ी चीज़ें पता है। करीब करीब मेरी गाड़ी आपको सामने देख सकते हो ये 22,000 चल चुकी है। तो एस्टर को लेके तो प्रॉपर फुल चीज़ें पता लग गई हैं मुझे, और आपको बहुत सारी वीडियो एस्टर को लेके मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, हमारे चैनल पे, तो वो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपका माइलेज डेफिनेटली बढ़ सकता है। सबसे पहले तो भाई आपको क्या करना है, अगर आप सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करो भाई गाड़ी में आपके कम से कम सामान हो, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म यूजेज पे माइलेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखोगे जैसे तो मेरी अपनी गाड़ी में सिर्फ कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ ये सनशेड पड़ा हुआ है। बिल्कुल गाड़ी को आपको खाली रखना, देखो ना कोई बॉटल है, एक्स्ट्रा ले सकते हो आप, लेकिन एक्स्ट्रा बस एक बॉटल मैंने अपनी रखी हुई है। तो जितना कम सामान होगा गाड़ी में भाई, छोटी छोटी चीज़ों से भी लॉन्ग टर्म माइलेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का भाई आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि गाड़ी में सामान कम से कम रखना है। दूसरी चीज़ जो है भाई वो ये है, अगर आप लोकल अपने सिटी में ट्रैवल करते हो तो कोशिश करो कि अपने जो सिटी का बेस्ट पेट्रोल पंप है, जहाँ पेट्रोल प्योर मिलता है और अच्छा मिलता है, वहाँ से डलवाओ, रेगुलर उसे डलवाओ। ये नहीं कि भाई आज से डलवा लिया कल उससे डलवा लिया, ये चीज़ नहीं करनी है हमें। हमें एक ही पेट्रोल पंप से डलवाना है। और देखो हाईवे पे अगर आप निकल रहे हो तो मजबूरी हो जाती है कि भाई फिर तो आप उससे नहीं डलवा सकते, लेकिन सिटी में तो एटलीस्ट आप ये काम कर सकते हो कि एक ही पेट्रोल पंप से डलवाओ। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं भाई कि हम XP95 डलवाए, पावर वाला डलवाए या नॉर्मल डलवाए। तो भाई देखो अगर आप XP95 वाला डलवा रहे हो तो वही डलवाओ कंटिन्यू, फिर आपको नॉर्मल वाला अवॉइड करना है। अगर नॉर्मल डलवा रहे हो तो नॉर्मल ही डलवाओ। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप स्पेशल वाला पेट्रोल डलवाओ, नहीं भाई, मैं जैसे नॉर्मल डलवाता हूँ, देखो तो मैं नॉर्मल ही डलवाता हूँ, मैं वो डलवाता ही नहीं कभी भी, मैंने आज तक नहीं डलवाया। देखो हाईवे पे आप अगर आप XP95 डलवा रहे हो और हाईवे पे निकल रहे हो तो हो सकता है वहाँ ना मिले, बाहर आप जा रहे हो तो आपकी मजबूरी हो जाती है, वो बात अलग है। कोशिश करो आप एक ही डलवाओ, मिक्स ना हो पेट्रोल, मैं यही रिकमेंड करूँगा भाई, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब अगला बेसिक पॉइंट जो ये है भाई, हमेशा अपने गाड़ी का टायर प्रेशर, टायर को हमेशा मेंटेन रखना है। जैसे एमजी एस्टर में हो आप अगर, तो इसमें TPMS के इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके टायर में कम होगा हवा तो ये आपको बता देगा। मैं 32 से आपको अबव रखनी है, 32-34 के बीच में रखना है। मेरा इसमें देखोगे तो 30.2 आ रहा है इसमें, तो इसमें मुझे थोड़ी सी हवा कम है, तो मैं ये अभी मेंटेन करा लूँगा। बाकी आपको मेंटेन रखना, टायर प्रेशर लो नहीं होना चाहिए, उससे भाई माइलेज पर बहुत फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म, हाईवे पे भी और भाई सिटी में भी, ठीक है जी। दूसरी चीज़ भाई, गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस भाई आपको करवानी है, सर्विस में डिले नहीं करना है। थोड़ा बहुत हो जाता है तो मजबूरी में बात अलग है, बाकी वैसे आपको टाइम टू टाइम सर्विस करानी है जब जैसी सर्विस शेड्यूल है, ठीक है जी। अब मेन पॉइंट पे बढ़ते हैं कि आपको एस्टर का माइलेज कैसे इंक्रीज करना है, मेन बात वो है। देखो मेरे पास है CVT, ठीक है जी, तो मुझे जो भाई सिटी में माइलेज मिलता है, अगर देखो ये माइलेज टोटली आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, आपके मूड पे डिपेंड करता है। मैं जो चलाता हूँ, मैं थोड़ा सा भाई खींच के चलाता हूँ गाड़ी, पंजा भारी है मेरा, तो सिटी में मुझे भाई 8-9-10 ऐसे मिलता है। लेकिन अगर मैं कभी कभी मूड होता है कि भाई आज माइलेज निकालना, तो मैंने इससे सिटी में भाई 14 का भी निकाला हुआ माइलेज, सिटी के अंदर 14 का। वो टोटली हमारी ड्राइविंग पर डिपेंड करता है। आज मैं वो पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए। देखो आपको एक फैक्ट वाली बात बताऊं तो एस्टर भाई माइलेज नहीं देगी, आपको निकालना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको माइलेज के लिए, ये फैक्ट है, ये आप लिख के ले लो। इन बातों में मत जाना, लोग बोल रहे हैं जी हमारी 17 का दे रही है, 18 का दे रही है, भाई नहीं देगी।
आपको निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप पॉइंट सुन लो, आप क्या करना है। पहले आपको गाड़ी को ड्राइव में डालना है, एकदम से इनिशियल पुश नहीं करना भाई। सीवीटी गियरबॉक्स इनिशियल पुश के लिए नहीं होते हैं। आपको ब्रेक छोड़ देनी है, एकदम से पंजा पुश नहीं करना भाई। आरपीएम को हमेशा कोशिश करो कि 2000 के अंडर अंडर रखो, उसके बाद हल्का सा आप पंजा दाबो, बहुत हल्का सा। देखो आरपीएम हमेशा कोशिश करो कि 2000 के अंडर रखने हैं, तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली भाई माइलेज देगी, चाहे कोई सी भी कितनी भी बेकार माइलेज वाली गाड़ी हो, वो भी माइलेज निकाल देगी भाई। आरपीएम को हमेशा अंडर रखना है 2000 के अंडर। सीवीटी है तो ऑटोमेटिक ही गियर चेंज होंगे। इसमें मैनुअल वालों को मैं बता दूंगा, आपको फर्स्ट गियर पर डाल के इजीली गाड़ी इसको स्क्रॉल करना है, फिर सेकंड गियर डालना है, फिर तुरंत थर्ड डाल देना है। सेकंड गियर पर ज़्यादा देर गाड़ी नहीं रखनी है भाई, जो लोग मैनुअल वाले, आपको अप गियर पर गाड़ी रखनी है जिससे कि आरपीएम कंट्रोल में रहे। देखो कोशिश करो 2000 के अंडर अंडर आरपीएम रखना भाई, तो इजीली भाई आपकी गाड़ी बढ़िया माइलेज देगी। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूँ आज एस्टर को लेके, देखो अभी थोड़ी खाली रोड आने दो फिर मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी भाई इसका जो पंजा पूरा नहीं दबाना भाई, बहुत हल्का सा पंजा दबाना है आपको, उससे गाड़ी अच्छी उड़ जाती है, जो मैंने सीवीटी में नोटिस करा। अगर आप पूरा पंजा दबाते हो ना तो डीले भी फील होता है और माइलेज भी भाई ख़राब होता है आपका। हल्का सा पंजा दबाना गाड़ी देखो ईजिली उठेगी। अभी 2000 के, अब देखो 2000 के अंडर अंडर ऐसे रखना है। और कभी भी अननेसेसरी भाई इंजन पर लोड नहीं देना भाई आपको गाड़ी पर। जैसे ही इंजन पर लोड पड़ेगा वैसे ही भाई समझ लो गाड़ी तेल ज़्यादा पिएगी। जब जरूरत नहीं है तो एस्केलेटर को छोड़ दो, पहले ही ब्रेक लगा लो। ब्रेक भी जल्दी जल्दी सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है, इनिशियली धीरे से गाड़ी उठानी है भाई, और आराम आराम से आपको 2000 के अंडर अंडर ही गाड़ी चलानी है। देखो अब काफ़ी लोग बोलते हैं भाई 2000 के अंडर गाड़ी कैसे चलाएं, कि भाई स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड भी तो देखो धीरे धीरे आप अगर आप चलाओगे तो आपकी ईजिली स्पीड भी बढ़ेगी और आरपीएम भी कंट्रोल में रहेंगे। जब ज़रूरत नहीं है आपकी गाड़ी ने स्पीड पकड़ रही है तो इसको छोड़ दो एक्सीलेटर को, फिर कोई नेसेसरी नहीं है आपको एक्सीलेटर देने की। देखो मैंने छोड़ा हुआ है बिल्कुल, तो गाड़ी स्पीड में फिर दोबारा से दबा दो, तो इससे भाई माइलेज डेफिनेटली आपका इंक्रीज होगा ही होगा। इससे ये नहीं है कि आपका माइलेज नहीं बढ़ेगा। सेम चीज़ आपको सिटी में ही करनी है भाई, अननेसेसरी गाड़ी को पुश नहीं करना। देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, अगर आप एकदम से हार्ड पुश करोगे तो भाई माइलेज नहीं मिलने वाला। तो ठीक है जी, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, गाड़ी को 2000 के आरपीएम कंट्रोल रखो 2000 के अंदर अंदर। अननेसेसरी आपको एक्सेलरेट नहीं करनी है गाड़ी, ये नहीं हमेशा आपको पंजा दबाने। जब हाईवे पे फॉर एग्जांपल अगर आप चल रहे हो, आपकी 80-90 स्पीड है, तो आपकी बीच बीच में आप एक्सेलरेटर को छोड़ते रहो, मतलब पैर हटालो उसमें से, जब कम हो जाए फिर हल्का 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 सा पुश करो। तो ज़रूरी नहीं हर समय आपको पंजा दबा के रखना, उससे भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपका माइलेज बढ़ता है। अब काफ़ी लोगों को भाई एसी को लेके डाउट होता है कि भाई हमें एसी कैसे यूज़ करना। अब अगर आप एमजी एस्टेड यूज़र हो तो आपको एक बात पता होगी कि इसके जो एसी है ना वो इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड डालता है, बाकी सभी गाड़ियों पर डालता है मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा डालता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एसी ऑफ करके गाड़ी पुश करोगे तो गाड़ी में अच्छी पावर लगती है, फ्री अंडर पावर नहीं लगती। जैसे ही आप एसी ऑन करते हो गाड़ी पे एकदम से लोड पड़ता है, बहुत दब जाती है गाड़ी। अब लोग कहेंगे सारी गाड़ी दबती है, भाई सारी दबती है मानता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही दबती है, मुझे तो ऐसे ही लगता भाई अपनी, मुझे जितना टाइम हो गया चलाते हुए इसको। अब एसी आपको कैसे चलाना है, अगर आपके टेम्परेचर भाई देखो ये वेरी करता है आप कहाँ रह रहे हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं इसको लो पे रखता हूँ और फ़ैन 1 पे रखता हूँ या 2 पे रखता हूँ, बस 1 पे या 2 पे। अगर मौसम सही है आपकी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आपको इसको मीडियम 21-22 या 24 तक भी रखोगे, 23-24 तक तो ठीक रहेगा। फ़ैन 1 या 2 पे रखोगे गाड़ी अच्छा कूल करेगी, फ़ैन तेज़ नहीं करना, आते ही एकदम से कम करके और पूरा फ़ैन चला दिया, उससे भाई ना तो गाड़ी ठंडी होती है, माइलेज पे भी इफेक्ट पड़ता है उससे। ठीक है जी, अब एक चीज़ और, काफ़ी लोग सोचते हैं भाई एसी बंद करके माइलेज बढ़िया निकल जाता है। भाई एसी बंद आपको हाईवे पे तो करना ही नहीं, हाईवे पे आपको विंडो डाउन करके नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, उससे एरोडायनेमिक्स गाड़ी के बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और एक्सीडेंट होने के भी चांस बढ़ते हैं, गाड़ी की पे भी बेकार रहता है। आपको सिटी में अगर आप मौसम बढ़िया है तो हल्की सी विंडो डाउन कर सकते हो और एसी को ऑफ कर सकते हो, उससे हाँ डेफिनेटली माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा भाई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप एसी को सेंसिबली यूज़ करोगे तो बढ़िया रहेगा, माइलेज भी निकलेगा और आपकी गाड़ी भी ठंडी रहेगी। अब एमजी एस्टर में क्रू हमें मिलता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भाई, लेकिन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो मेरे को जो जितना अब तक मैंने उसको यूज़ किया है मुझे उसमें जो फील हुआ वो ये है, फॉर एग्जांपल हमने उसमें 100 की लिमिट सेट करी है और हम एकदम से उस क्रूज पे डालते हैं गाड़ी, तो आरपीएम हमारा हायर साइड पे रहता है। और देखो अब यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो 30 की सेट करी तो देखो ये पुश करता है गाड़ी को एकदम से, देखोगे ना ये देखो अभी 30 की सेट है, आगे ट्रैफिक अगर नहीं होता तो ये और पुश करता, इंजन पे लोड डालता है और एकदम से पुश करता है। आरपीएम हमेशा ऊपर ही रहेंगे अगर आप क्रूज कंट्रोल यूज़ कर रहे हो।
और अगर आप क्रूज़ कंट्रोल नहीं यूज़ करके मैनुअली चला रहे हो तो आप आरपीएम को इसमें अंडर रख सकते हो। ये चीज़ मैंने इसमें ही नोटिस करी है भाई एमजी एस्टर में, कि इसके आरपीएम हमेशा अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो इसमें मिल रहा है उसमें हमेशा ऊपर ही रहते हैं। इसलिए कोशिश करो आप क्रूज़ कंट्रोल कम यूज़ करो इसका, अगर आप चला सकते हो मैनुअली तो अपने पंजे से ही, जैसे मैंने आपको बताया बीच बीच में आप एक्सीलेटर छोड़ दो और हल्के हल्के मतलब हल्के पंजे से, तो आप अच्छा एवरेज इससे भाई निकाल सकते हो। देखो एवरेज निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी भाई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी आप कमेंट करके बताओ अगर आपके पास एस्टर है तो जनरली मतलब प्रैक्टिकली आपको कितना एवरेज निकल रहा है वो कमेंट करके बताओ, जिससे सब व्यूअर्स को आसानी रहे और वो भी जज कर सके भाई कि यार गाड़ी जो प्लान भी कर रहे हैं लेने का उनको भी पता रहे। क्योंकि बस लोगों के मन में डाउट, गाड़ी भाई बहुत जेन्युइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पॉजिटिव रिव्यू इसके बहुत डाल चुका हूँ चैनल पे, लोगों ने देखे भी हैं और लोगों को पता भी है, तो बस एवरेज को लेके मन में डाउट है। क्योंकि एमजी गाड़ियों के एवरेज को लेके भाई लोग सोचते हैं लेने से पहले, इसलिए कमेंट करके बताओ आपके पास एस्टर है तो कितना एवरेज दे रही है। बाकी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, और ये पॉइंट्स यूज़ करोगे पक्का आपका माइलेज भाई बढ़िया निकलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।